हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से नोटिस भेजे जाने पर बुधवार को युवक कांग्रेस ने सिटी में स्थित प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने कहा कि ईडी क्या सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए ही है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया और विपक्षी पार्टियों को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के साथ किए गए वादे में पूरी तरह से विफल साबित हुई है और आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। युवक कांग्रेस दिल्ली तक आंदोलन कर केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाने का कार्य करेगी। विरोध प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजीत सिंह, प्रदेश महासचिव आसिफ शेख, पंकज सावरकर, इरशाद शेख, दुर्गेश पांडे, प्रतीक कुल्ले, सतीश पाली, अनिरुद्ध पांडे, आशीष मंडपे, नीलेश खोबरागड़े, गौतम अंबादे, राकेश निकोसे, राकेश इखर, शीलज पांडे, शादाब सैबी, कुणाल चौधरी आदि शामिल थे। बुटीबुरी या हिंगना स्थित औद्योगिक वसाहतों की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन कितना बड़ा यह भले ही विवाद का विषय हो, लेकिन इसी का हवाला देते हुए अब बसों को वहां तक पहुंचने के लिए लगने वाले डीजल आदि के खर्च को मद्देनजर रखते हुए मनपा ने अपनी बस के किराए में भारी वृद्धि की है। मनपा प्रशासन की ओर से बताया गया कि निजी ऑपरेटर की ओर से अलग अलग रूट्स पर बसों का संचालन किया जाता है। गत 3 वर्ष में डीजल मशीन पार्ट्स की कीमतें काफी बढ़ गई है, यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन भी काफी बढ़ गए, जिससे बसों के किरायों में वृद्धि करने की मांग हो रही है। अतः बुधवार की मध्यरात्रि से ही नई दरों को लागू करने का निर्णय लिया गया। नई दरों के अनुसार अब बरडी से हिंगना तक के लिए 39 रुपए लगेंगे, जबकि बरडी से बुटीबोरी तक के लिए 44 रुपए लगेंगे। जानकारों के अनुसार पहले ही महंगाई की मार ने लोगों के जीवन यापन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। एक और जहां कई लोगों को नौकरियां खोनी पड़ी है, वहीं कई कर्मचारी कम वेतन पर काम करने पर मजबूर है। जिला परिषद की शालाओं में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करने का आश्वासन बीते आम सभा में अध्यक्ष द्वारा दिया गया था। सदस्यों ने 700 से अधिक शिक्षकों की कमी बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की मांग की थी। इसी महीने अब शालाएं शुरू होने वाली है, लेकिन पद भर्ती के संदर्भ में अब तक किसी तरह की हलचल नहीं है। विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जिला परिषद प्रशासन व सत्ताधारियों का शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी ध्यान नहीं है। बताते चले कि जिले में 1518 से अधिक जिला परिषद शालाएं हैं, जिसमें बीते वर्ष 71,000 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। 4,300 से अधिक शिक्षक कार्यरत है, लेकिन अब शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने का दावा किया जा रहा है। 20 मई को हुई सभा में कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा उठाते हुए 700 से अधिक शिक्षक कम होने से विद्यार्थियों को नुकसान होने की बात का जिक्र किया था। हाल यह है कि अनेक ऐसी शालाएं जहां विद्यार्थी संख्यानुसार 2 शिक्षक होने चाहिए, वहां केवल एक ही टीचर पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही एक बार फिर प्रतिबंध की आहट आने लगी है। हालांकि विशेषज्ञ फिलहाल जिले में स्थिति ठीक ठाक मान रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता को नजरअंदाज किए जाने पर स्थिति को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। इस बीच जिले में 50 नए पॉजिटिव मिले, इनमें शहर के 22 और ग्रामीण अंचल के 24 लोगों का समावेश रहा, जबकि 4 संक्रमित मरीज अन्य जिलों के निवासी है। कोरोना के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ने से अब सावधानी भी जरूरी हो गई है। इसके बावजूद भीड़ वाली जगहों पर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन बचाव के लिए आवश्यक भी है। प्रशासन द्वारा टेस्टिंग बढ़ाने पर पॉजिटिव की भी संख्या अधिक आने लगी है। बारिश के सीजन में संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है, इसी वजह से अभी से सावधानी अनिवार्य है। पिछले सप्ताह से संक्रमित तो बढ़े हैं, लेकिन अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं होने से होम आइसोलेशन में ठीक भी हो रहे हैं। यही वजह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। फिलहाल केवल 3 मरीज ही अस्पतालों में भर्ती है। नागपुर महानगर पालिका एवं ग्रीन विजिल फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को हनुमान नगर जोन के अंतर्गत सिद्धेश्वर हॉल चौक मानेवाड़ा रोड क्षेत्र में पूर्णिमा दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जन जागरूकता अभियान के दौरान ग्रीन विजिल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने क्षेत्र में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों का दौरा किया, बिजली बचाने के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों से कम 1 घंटे के लिए अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद करने की अपील की। क्षेत्र के व्यापारियों ने भी नागपुर महानगर पालिका और ग्रीन विजिल फाउंडेशन के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बिजली के उपकरण बंद करके अभियान में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर ग्रीन विजिल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष कौस्तुभ चटर्जी के नेतृत्व में टीम लीडर सुरभि जायसवाल, मेहुल कोसुरकर, विष्णुदेव यादव, सुजय कालबांडे, पारस जांगड़े, साक्षी मुलेकर, तुषार देशमुख, शुभम येरखेड़े, प्रणाली सूर्यवंशी,
आदि ने परिसर में जनजागृति कर व्यापारियों और नागरिकों को उनके प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली के उपकरण एक घंटे के लिए बंद करने की विनती की। इस अभियान में भोलानाथ सहारे, किशोर बागड़े, पूर्व नगर सेवक अभय गुट्टेकर, विजय फडणवीस, विश्वनाथ कुंभलकर, दिलीप वंजारी, शेखर पवार, रमेश शेंडे, संजय तीतरमारे आदि ने योगदान दिया। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरअसल पहले यह कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 475 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 372 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून की शुरुआत के बाद यह सेल 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 49 शिकायतों में से 34, धर्मपेट जोन में 49 में से 47, हनुमाननगर जोन में 206 में से 181, धंतोली जोन में 37 में से 21 तथा नेहरू नगर जोन में 29 में से 21 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मनपा अधिकारियों ने इस पहल की सफलता पर संतोष जताया है। नागपुर शहर में एक तरफ वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ बाजार में पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। शहर में हर जगह यही स्थिति है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थान वर्तमान में पार्किंग के लिए अपर्याप्त है। इस समस्या के समाधान के लिए नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नागपुर शहर में स्वचालित बहुस्तरीय कार और दोपहिया वाहन पार्किंग सुविधाओं की स्थापना करेगा। नागपुर स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कदम नागपुर शहर में पार्किंग की समस्या को कम करने में मददगार साबित होगी। ऑनलाइन माध्यम से हुई इस बैठक में स्मार्ट सिटी के मेंटर एवं चेयरमैन डॉक्टर संजय मुखर्जी मुंबई से मौजूद थे। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी, बोर्ड सदस्य अनिरुद्ध शेनवाई, आशीष मुकिम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे, कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर, मुख्य वित्त अधिकारी नेहा झा एवं अन्य मनपा एवं स्मार्ट सिटी के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे ने कहा कि नागपुर शहर में 4 जगहों पर ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार और टू व्हीलर पार्किंग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। हाल ही में लायंस क्लब नागपुर समर्पण के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2022-23 के लिए एडवोकेट रोहिणी ढोक को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। साथ ही सचिव पद पर उज्ज्वला खानोरकर तथा कोषाध्यक्ष पद पर वंदना रोटकर को निर्वाचित किया गया है। इस साल की बैठक की विशेष बात यह है कि कार्यकारिणी समिति के तमाम मुख्य पद महिलाओं को दिए गए हैं। इस अवसर पर एडवोकेट रोहिणी ढोक ने क्लब सदस्यों का विशेष रूप से आभार माना है। एडवोकेट रोहिणी ढोक पिछले कई सालों से लायंस क्लब एवं अनेक सामाजिक संगठनों में सामाजिक कार्यों में अग्रसर है। क्लब सदस्यों द्वारा नई टीम का स्वागत किया गया। लायंस क्लब नागपुर समर्पण पिछले 3 साल से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा है। क्लब द्वारा हर साल विशेष कार्य किए जाते हैं, जिसमें ठंडी के मौसम में नवजात शिशुओं को संपूर्ण विदर्भ के सरकारी अस्पतालों में जाकर ब्लैंकेट वितरित करना, देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में आदिवासी समुदाय के जरूरतमंद लोगों के लिए सेवा कार्य करना, वैद्यकीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, ऐसे अनेक कार्यों में क्लब अपना सेवा कार्य निरंतर रूप से कर रहा है। श्री दिगंबर जैन महासमिति का 25 सदस्यीय जत्था श्री दिगंबर जैन महासमिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जैन के नेतृत्व में नासिक जिले के दिगंबर जैन तीर्थ मांगीतुंगी नागपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। मांगीतुंगी में आयोजित विश्व की 108 फुट ऊंची जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 6 वर्ष में एक बार होने वाले महामस्तकाभिषेक हेतु यह श्रद्धालु रवाना हुए। सभी सदस्यों को रेलवे स्टेशन पर प्रदेश अध्यक्ष नितिन नखाते ने स्वागत किया। सभी सदस्य 10 दिन तक निशुल्क सेवा देंगे। जत्थे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जैन, प्रदेश महामंत्री दिलीप सावलकर, अरविंद हनवंते, रविकांत जैन, चंद्रकांत पलसापुरे, चंद्रकांत काटोलकर, नीरज पांड्या, प्रभाकर राव डाखोरे, अशोक डाखोरे, साथ ही अमरावती से आशुतोष जोहरापुरकर, नीता जैन, पुष्पा हनवंते, अधिवक्ता हेमांगी डाखोरे आदि है। प्रदेश अध्यक्ष नितिन नखाते ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी।
नागपुर के 21 वर्षीय कार्तिक जायसवाल ने एक घंटे में सबसे ज्यादा पुशअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कार्तिक ने एक घंटे में 3,331 पुशअप कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनियल स्कली के नाम था, उन्होंने इसी साल यह रिकॉर्ड बनाया था। नागपुर के कार्तिक ने एक घंटे में 3,331 पुशअप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले भी कार्तिक ने एक मिनट में सबसे ज्यादा टाइल्स तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। कार्तिक जायसवाल एक एमएमए फाइटर इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर फिटनेस प्लेयर है। एक घंटे में सबसे ज्यादा पुशअप करने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कार्तिक पिछले 5 साल से रोजाना 6 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कार्तिक ने जब घोषणा की थी कि वे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनियल स्कली के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेनियल स्कली ने चुनौती दी थी कि कोई भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कार्तिक ने एक घंटे में 3,331 पुशअप मारकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिला योजना विभाग के माध्यम से नवीन पहल शुरू करते समय उसे और अधिक व्यापक रूप दे, आगामी वर्ष के नियोजन से शिक्षा के संदर्भ की 3 योजनाएं नागपुर जिले में संचालित करने की महत्वपूर्ण सूचना जिले के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने जिला नियोजन विभाग की बैठक के पश्चात विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है, प्रयोग चाहे नई दिल्ली में हो या गढ़चिरौली में, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसी नई योजनाओं को जिला योजना अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे जिले में शैक्षिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। जिले में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा केंद्र स्थापित करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली की तर्ज पर नागपुर में गढ़चिरौली, अहेरी, सिरोंचा, धानोरा और भामरागढ़ में सफल शैक्षिक प्रयोगों की तर्ज पर एक स्मार्ट स्कूल योजना लागू की जानी चाहिए। प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रतियोगी परीक्षा केंद्र को अपडेट कर छात्रों को लाभ दिलाए। यह कहते हुए डॉ. नितिन राउत ने अधिक से अधिक विद्यार्थी केंद्रीय लोक सेवा व महाराष्ट्र लोक सेवा स्पर्धात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, इसके लिए जिले में और अधिक क्या किया जा सकता है, इसका साधक बाधक प्रस्ताव तैयार करने का आह्वान किया। पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी और अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नवपुर शर्मा व न्यूज चैनल पर डिबेट के माध्यम से इस्लाम का अपमान व देश में सांप्रदायिकता व नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनल के खिलाफ मुस्लिम यूथ लीग नागपुर द्वारा नागपुर शहर के पाचपावली पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई और नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले न्यूज चैनल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। मुस्लिम यूथ लीग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुबैर खान ने किया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक व मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद जमाल, बख्तियार सुलेमान, तौसीफ कुरेशी, मोहम्मद शहीद, फरहान कुरेशी, मोहम्मद इरशाद, जुबैर अली, इस्माइल भाई, नावेद कुरेशी आदि उपस्थित थे। श्री श्रद्धानंद अनाथालय की 5 बच्चियों की शादी 18 जून को होने जा रही है। इन बच्चियों को पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए पूरी शादी की परंपरा और विदाई हो, इस बात को सुनिश्चित करते हुए टीम कैट नागपुर के सदस्यों ने इतवारी भाजी मंडी स्थित राजकुमार गुप्ता के घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। होने वाली वधुओं का सबसे पहले स्वागत फूलों की माला पहनाकर, टीका लगाकर गौरी माता पूजन के लिए मंदिर ले जाया गया। इस रस्म के लिए वहां बैंड बाजे के साथ सभी ने माता के दर्शन किए। बच्चियों के साथ परिवार और समाज के लोगों ने नाच किया। इसके पश्चात घर आकर पानी उतारते हुए बुरी नजर को दूर करते हुए घर में प्रवेश किया। तत्पश्चात सभी को सुरुचि भोजन कराया गया। पारंपरिक गीत गाते हुए समाज की महिलाओं ने हल्दी, तेल, मेहंदी की रस्म पारंपरिक रीति रिवाज से पूर्ण की। ओली गोद भराई की रस्म में वधुओं को वस्त्र, आभूषण, सजने संवरने का सामान, चांदी की पायल, बिछिया आदि सबने अलग अलग तरह के उपहार देकर गोद भराई की। शगुन के गीत गाते हुए विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फैजाने ताजुल औलिया मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से हुज्जाज इकराम की गुलपोशी की गई। मौलाना बदरुद्दोजा इरशाद ने हज के फरीजों की जानकारी दी। सलातो सलाम के बाद हज प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस आयोजन में प्रमुख रूप से डॉक्टर स्वालेहा सिद्दीकी, अबुल हसन ताजी, अब्दुल अमानी कुरेशी, सनाउल्ला खान, अब्दुल नईम, शेख अजहर, अरशद फरीद, सलमान कुरेशी, जावेद मौलाना, इमरोज मालिक आदि उपस्थित थे। मनपा के जोन 8 लकड़गंज में विधायक कृष्णा खोपड़े के शुभास्ते आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि यह आधार सेवा केंद्र की पूर्व नागपुर में एवं विशेष रूप से लकड़गंज जोन में आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस आधार केंद्र के बारे में बताया जाना चाहिए। नागरिकों से आधार सुविधा का लाभ लेने का आह्वान भी उन्होंने किया। इस केंद्र के संचालक आकाश निमजे ने कहा कि यह केंद्र सुबह 9 बजे से 6 बजे तक शुरू रहेगा।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक कृष्णा खोपड़े, नगर सेवक मनोज चाफले, नगर सेवक दीपक वाड़ीबस में, पूर्व नगर सेवक भास्कर पराते, मंगेश कामड़ी, प्रदीप चौधरी, यश पांडे, नीतीश मांडवकर, कुमार देवीकर, रोशन भिवगड़े, तेजस धकाते, ज्ञानेश्वर परांडे, नरेंद्र बावनकर अधीक्षक, आंशिक बनसोड स्वास्थ्य अधिकारी, भाजीपाले सर, कलंबे सर, रूपाली पराते, तामगाड़गे एवं नागरिकगण उपस्थित थे। रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के लिए एक प्रचार और बिक्री केंद्र बनाने के लिए तथा स्थानीय उत्पादों को देशभर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय कला और शिल्प से बने सामानों को प्रमोट करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए नागपुर मंडल द्वारा 15 दिनों के लिए इस योजना के तहत तुमसर रोड, डूंगरगढ़ तथा उमरानाला स्टेशनों में भी स्थानीय प्रोडक्ट का प्रदर्शन, प्रचार और बिक्री हेतु स्टॉल लगाया गया है। तुमसर स्टेशन में सहायक प्रबंधक जितेंद्र तिवारी की उपस्थिति में 15 दिनों के लिए तुमसर रोड स्टेशन में ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट का स्टॉल लगाया गया है ताकि स्थानीय उत्पादों को देशभर में लोकप्रिय बनाने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों की बिक्री का लाभ रेल यात्रियों व आगंतुकों को मिल सके। इसके अलावा 15 जून से ही 15 दिनों के लिए मंडल के डूंगरगढ़ स्टेशन में घरेलू उत्पाद पापड़, अचार, मसाले आदि तथा उमरानाला स्टेशन में मिट्टी के बने बर्तनों की बिक्री हेतु स्टॉल स्थापित किया गया है। इससे अनेक उत्पादों को उनकी वैश्विक पहचान मिलेगी तथा रोजगार सृजन के साथ साथ आय में वृद्धि और रेल यात्रियों व आगंतुकों को इसका लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। कोरोना महामारी ने गरीब बच्चों की पढ़ाई और इससे इतर की गतिविधियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के कारण झोपड़पट्टी में रहने वाले छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षा की सुविधाओं से वंचित रह गए। ऐसे में समाज कार्य के पूर्व छात्रों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजनगर स्थित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के प्रांगण में इन बच्चों के लिए 8 दिवसीय मेरी बचपन की दुनिया समर कैंप का आयोजन किया गया। रविवार तक चले इस कैंप में रोजाना अलग अलग क्षेत्रों के जानकार लोगों ने उन बच्चों को कराटे, जुम्बा, चित्रकला, नृत्य, फन एक्टिविटी और कला से जुड़े अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया। इसमें झोपड़पट्टी के 45 बच्चों ने हिस्सा लिया। कैंप की संयोजिका संजीवनी कुमरे, रीता मेश्राम, जया मसराम, रूपाली तांदुलकर, संतोष दुर्वे, सोनाली वैद्य, राजेश सबनिस, सोनाली रोहाने, अश्विनी पिंपलकर, प्रीति काकड़े और कार्तिक मसराम की मदद से बच्चों को ड्राइंग बुक और संबंधित किट वितरित किए। बच्चों के अभिभावकों ने इस प्रयास की सराहना की। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आयोजित सृजनशीलता संवर्धन शिविर का शुभारंभ प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता में किया गया। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही देश के प्रति आत्मीयता का भाव जगाना तथा राष्ट्रनायकों का परिचय कराने की दृष्टि से शिविर का आयोजन किया गया है। 17 जून तक चलने वाले इस शिविर में बच्चों को पेंसिल, स्केच, नृत्य, चरित्र नाटक और आत्मरक्षा आदि गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अभिनव गुप्ता संकुल सभागार में प्रदर्शनकारी कला विभाग में आयोजित शिविर का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। शिविर में 50 से अधिक बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सहभागी बच्चों को मोहित सहारे, आशीष ठाकरे, भावेश नेवारे, रागिनी ठाकरे, अक्षय सोमनकार, सेंसाई मंगेश भुंगाड़े और सेंसाई पूजा गोसटकर आदि प्रशिक्षक नृत्य, चित्रकला और आत्मरक्षा आदि गतिविधियों की प्रशिक्षण दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन दर्शन एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष डॉ. जयंत उपाध्याय ने किया। शिविर के सफल आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के पवन कुमार, आरती गुर्दे, अरविंद कुमार, रवि वानखेड़े आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2327 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,33,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।